Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of English Reader lesson number 6, Tom Sawyer's Tuthe. So ये back exercise का last part है Tom Sawyer's Tuthe का. Then इसके बाद मैं आपके साथ question answers share करूंगी इस lesson के. So last video में मैंने आपके साथ articles बताए थे कि articles A and the क्या होता है. अब मैं इस video में आपके साथ उसकी exercise share करने जा रही हूँ. बट इफ अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है एंड आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और द. ए एन और द को आपको फिल करना है. शी कुक्स अ न्यू डिश एवरी वीकेंड. न्यू है तो अ लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, बिकॉज न्यू डिश इज यूजुअली वेरी टेस्टी. द न्यू नहीं आएगा यहाँ पे, द डिश इज वेरी यूजली वेरी टेस्टी. तो जो डिश थी वो बहुत टेस्टी थी, इसलिए यहाँ पे द लगेगा. क्या लगेगा? द. यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, आप द फिल करेंगे. रमन रिच एंड आइलैंड. आइलैंड में वोवेल साउंड आ रहा था इसलिए आइलैंड. इन द इंडियन ओशियन. कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन, जो कि एक ही है तो इसलिए द लगाया है. आई हैव इन्वाइटेड अ फ्रेंड. अ फ्रेंड आएगा टू डिनर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है. द फ्रेंड हैज शिफ्टेड नियर माई हाउस. वो फ्रेंड, जिस फ्रेंड की बात हो रही है, वो मेरे घर के पास शिफ्ट हो गया है. एंड आउल इज कंसिडर्ड टू बी वाइज. जो आउल होता है उसे बहुत चलाक समझा जाता है. एन आएगा बिकॉज आउल का ओ है साउंड है, जो कि वॉवल साउंड है. नेक्स्ट वर्ड वाइज यहाँ पे आपको क्या करना है. A collocation is a pair, a group of words that always appear in the same order and usually go together. मतलब उनका ग्रुप बनाना है जो ज्यादातर साथ में बोले जाते हैं, इसी पेयर में बोले जाते हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड. तो यहाँ पे आपको फिल करने हैं. बॉक्स में आंसर्स भी, ऑप्शन भी गिवन है, जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट, गिव एंड टेक, लाइफ और डेथ, स्वीट एंड सोर, अप एंड डाउन, ब्लैक एंड व्हाइट, लॉ एंड ऑर्डर, रॉक एंड रोल, ट्रायल एंड एरर, टू एंड फ्रो. तो इस तरह से आप ये वर्ड्स फिल करेंगे. नेक्स्ट इज स्पेल वेल. यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करने हैं वर्ड्स को, गिवन है, जिससे पहले को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा नॉवल, एन ओ वी ई एल. फिर बनेगा क्लाइंब, सी एल आई एम बी. मैटर, एम ए डबल टी ई आर. डिटेक्ट, DETECT. थ्रस्ट, THRUST. थ्रेड, THREAD. रेज्ड, RAISED. और यहाँ पे क्या लिखा है, डेंटल, DENTAL. तो स्टूडेंट ने ये जो N लिखा है W की तरह लिखा है, बट ये है N. नेक्स्ट ये एक्टिविटीज फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, ये आप रीड आउट करिएगा. इसमें ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज दे रखी है. जैसे आपको यहाँ पे आपको तुथे एक पूरा दांत में, तो आप कैसे बिहेव करोगे, इमेजिन करो एंड एनेक्ट करो. स्पीक एंड एक्सप्रेस करने में आपको 5 मिनट्स लगाने हैं, 5 मिनट के लिए बोलना है. स्टेप्स वी कैन टेक टू कीप अवर टीथ एंड गम स्ट्रांग एंड हेल्थी, कि हम टीथ एंड गम को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं. 5 मिनट्स तक आपको बोलना है. एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोले हैं लिखे हुए, इनको रीड करना है. जैसे फॉल, फोटो, रफ, फैक्ट, पैराग्राफ, फिजिक्स, डीप, सोफा, फिजिशियन, अल्फाबेट, लाफ, ऑर्फन. तो ये आप करेंगे एक बार रीड आउट. अब नेक्स्ट इसके बाद आपका गिवन है पंचुएशन. पंचुएशन का क्या होता है कि मीन कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगी, कहाँ पे कॉमा लगेगा, ये आपको यह ध्यान रखना है. तो ये तो आपको पता ही है, स्टार्ट हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है. तो सिद्ध कटक केक ऑन हिज बर्थडे, तो लास्ट में फुल स्टॉप, सिद्ध कटक केक ऑन हिज बर्थडे. नेक्स्ट लूडो, चेस एंड टेबल टेनिस आर इंडोर गेम्स. तो लूडो गेम हो गया, एल कैपिटल, चेस इनको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है. रोहन, टिया, सिया एंड रिया, तो ये सारे नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे और इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा. स्टडी इन क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ में सी कैपिटल आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आपके डिक्शनरी स्किल गिवन है,
आपको डिक्शनरी में से वर्ड फाइंड आउट करने हैं, जो वर्ड अंडरलाइन है ना उनको हम और क्या लिख सकते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है द पुलिसमैन फाउंड एविडेंस एट द सीन ऑफ थेफ्ट। एविडेंस माने होता है प्रूफ। ओरल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। ओरल माने रिलेटेड टू द माउथ, जो माउथ से रिलेटेड हो। ही गॉट नेम एंड फेम वंस ही बिकेम अ सक्सेसफुल एक्टर। फेम माने एक पर्सनैलिटी, बींग नोन, जाना जा सके जिसे। शी रिगार्ड्स हर टीचर एज अ गाइड। रिगार्ड्स माने लुक्स अपॉन, अपनी टीचर की तरफ देखना। हंड्रेड पेड ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु डाइड इन द वॉर। ट्रिब्यूट माने शो करना उनकी तरफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट शो करना जो सोल्जर्स की डेथ हो गई है वॉर में, लड़ाई में। हंड्रेड मार्क ट्वेन वॉज अ रिनोन राइटर। रिनोन मतलब काफी फेमस राइटर है। टॉम सॉयर ट्राइड टू बी फूल हिज आंट। बी फूल माने ट्रिक करने की कोशिश करी थी उन्होंने, अपनी आंट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी। तो ये था आपका टॉम सॉयर तोते का बुक वर्क। नाउ आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके आरटीसी एंड क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।